हाय एवरीवन, सो इट्स मी करण एंड आज हम हैं दुबई में JLT टावर, जुमेरा लेक टावर्स 30th बिल्डिंग पे और दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट डे। तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ शॉपिंग। मेरे पास है 10,000 दिरहम। 10,000 दिरहम मतलब कि 2,20,000, ज़्यादा नहीं है। आज ही हम पूरे के पूरे अमाउंट खर्च करेंगे, जो दिखेगा मार्केट में सब खरीदते जाएंगे जब तक ख़त्म नहीं होते। सो मैं आपके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ और ताकि आप लोग को समझ आ सके कि आप 2-2.5 लाख रुपए में कितनी शॉपिंग कर सकते हो। लेट्स डू इट। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मार्केट। वैसे हमारा कुछ खरीदने का ऐसा स्पेसिफिक है नहीं, हम सच में सिर्फ पैसा ही खर्चा करने आए हैं कि इतने में हम कितना परचेज कर सकते हैं। सोचा तो हमने पहले सोचा कि 5-6 लाख रुपये निकाल ले, बट दुबई इतना भी महंगा नहीं है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर अगर आप निगोशिएट करते हो यू कैन गेट अ गुड एडवांटेज। और यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, तो अगर आप घूमने आ रहे हो ट्राई टू निगोशिएट, दैट कैन गिव यू लिवरेज। मैंने 300 दिरहम की चीज़ों को 100 दिरहम में ख़रीदा है, तो आप समझ सकते हो निगोशिएशन लेवल क्या होता है। बहुत सारे इंडियंस ही होते हैं यार, पाकिस्तानीज होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं, फॉरेनर्स भी काफ़ी होते हैं। आपको निगोशिएट करना आना चाहिए, तो इतना भी महंगा नहीं है दुबई। 2-2.5 लाख रुपये लेके या तो कैश इसमें अच्छी खासी शॉपिंग कर लोगे। हम भी जाके देख रहे हैं क्या क्या खरीदेंगे, जो हाथ में आया पसंद आया खरीद चले जाएंगे। हम कैब में बैठ गए हैं एंड आफ्टर रीचिंग द मार्केट आई विल एक्सप्लोर मेनी थिंग्स। दिस सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सेफ। इफ समबडी इज़ न्यू एंड रियली वॉन्ट्स टू कम ओवर हेयर, आई वुड हाईली सजेस्ट यू, इफ यू वॉन्ट टू हैव सम शॉपिंग यू कैन गो टू गोल्ड सुक एंड मीना बाजार। बाकी मैं भी पहली बार देख जा रहा हूँ, देखते हैं व्हाट वी एक्सप्लोर। सो फाइनली वी आर इन द गोल्डसुक मार्केट। इस समय हम एक होटल में हैं, यहाँ से निकल के सीधा गोल्डसुक मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगा व्हाट वी आर गोइंग टू शॉप, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती है। सो फाइनली वी आर इन द गोल्डसुक मार्केट, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम बाय कर सकते हैं। नाउ वी अपडेटिंग यू ऑफ एवरीथिंग। गोल्ड लैंड का जी कर गया, तो ओल्ड लैंड दिखाई दे रहा है वहाँ पे, जी है। Let's go guys. रोड हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। एक चीज़ मैंने देखी, दुबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी है। हम यहाँ पे इंडियंस भी जो आते हैं वो खुद कचरा नहीं फैलाते, इंडिया में फैला देंगे यहाँ नहीं फैलाएंगे। वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, अरे आप ऐसे खरबूजे और भी नहीं करेगा। काफ़ी सारे लोग इंडिया में थूक देते हैं, आप यहाँ पे थूक के बताओ रोड पे। यहाँ पर बहुत सारे गोल्ड को हम देख रहे थे जब मार्केट में आए थे, तो यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो हमने गोल्ड की कुछ शॉप एक्सप्लोर करी। उसके बाद कुछ चेन्स वगैरह हमने देखी, गोल्ड का प्राइस दुबई में कम होता है इंडिया कंपैरिजन में। फिर हमने कुछ परफ्यूम की दुकानों को एक्सप्लोर करा, यहाँ पे बहुत टाइप के परफ्यूम मिलते हैं, यहाँ तक कि ये लोग फ्रेग्रेंस बनाते हैं, जैसा आप इनको बताओगे वैसा ये बनाकर आपको दे देंगे। आपको यहाँ पे हरी दुकानें मिल जाएंगी, खजूर की नहीं भाई, खजूर नहीं चाहिए, खजूर बहुत है, खजूर की, ये परफ्यूम की, यहाँ तक कि आप जो चाहो फ्रेग्रेंस ये बना सकते हैं, ये बैग्स, ये बुरके, ज्वेलरी इतनी शॉप से कि हद नहीं है। ये देखो काफ़ी सारे इंडियन जो होते हैं वो यहाँ से गोल्ड खरीदते हैं। वो देखो आपको मालाबार भी दिखेगा, ये पूरा मालाबार। हमने दुबई में ब्रांच खोल रखी है, काफी इंडियन यहाँ से शॉप करते हैं। नॉर्मल स्टोर यहाँ पे हर जगह आपको गोल्ड की शॉप दिखेंगी। और यहाँ पर जहाँ पर मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, लोग अपने आप गाड़ियाँ रोक देते हैं एकदम डिसिप्लिन के साथ में, हर एक रूल को खुद से फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि काफ़ी सारे इंडियंस होते हैं जो इन रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं लेकिन खुद की कंट्री में फॉलो नहीं करते। तो इट इज़ अबाउट सिस्टम, अगर आप खुद करोगे तो बहुत ज़्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे। और ये सिटी इतनी क्लीन है, इतनी ब्यूटीफुल है कि यहाँ पर मेरे को खुद ज़्यादा
पीसफुल और सेफ फील हो रहा था। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। अभी हम पानी पी रहे हैं यहाँ पर। ये लीची की बॉटल जो है ये बड़ी वाली इंडिया में नहीं मिलती, ये दुबई में मिलती है। इस बॉटल का जो ऊपर का रैपर वो निकलते नहीं, हर बार मुझे छेद ही करना पड़ता है स्ट्रॉ से। एंड हाँ, दिस वाज वेरी नाइस। यहाँ पे बहुत सारे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, हमें कुछ काम की चीज़ें लगी नहीं, तो अभी हम जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे जो हमें कुछ काम का चीज़ मिल जाए तो हम बाय कर ले। और हित भाई, हाय भाई। हाय एवरीवन। सो मैंने ये बैग ख़रीदा है, ये ख़रीदा है, आप यकीन मानो ये हम लोगों को ज़्यादा दिरहम बता रहा था बैग, और यही उसने 100 दिरहम में दे दिया। और खैर हमारे पास 10,000 दिरहम तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो वो ऑब्वियसली कोई छोटे छोटे आइटम में तो आप ख़त्म नहीं होंगे। तो मैं वीडियो को लास्ट में बताऊँगा कि हमने क्या करा 10,000 दिरहम का और क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं। अभी हम चल रहे हैं मार्केट में और अंदर। सो अब बैठ गए हम अपनी कैब में और जा रहे हैं अलबरसा की तरफ। हमने बहुत सारी शॉपिंग करी, बहुत सारी चीज़ें देखी, परफ्यूम, बैग, पर्सेस, अब हर एक दुकान का मैं वीडियो बना नहीं सकता था। हमने जो चीज़ें परचेज करी है, बैग 100 दिरहम का मुझे बैग मिल गया, मतलब 2200 रुपये का, इवन मैं बोलूँ तो इंडिया से सस्ता मिला है। दूसरा मेरे को ये मिला है, क्या कहते हैं, मैंने ये ख़रीदा है कोट, वो भी मेरे को ज़्यादा महंगे नहीं पड़े, वो भी 200 दिरहम के मेरे को अच्छे खासे कोट मिल गए हैं। वो भी तुर्किश कोट, तुर्किश कोट हमने खरीदा है दुबई। और मेरे पास 10,000 दिरहम थे, मतलब 2,20,000 रुपए। तो मैंने इतना ज़्यादा अमाउंट से क्या परचेज करा है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं और ब्लॉग आगे बढ़ाता हूँ, फिर बताता हूँ हमने क्या परचेज करा है। दुबई में आपको इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सारे कंट्री के लोग मिल जाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे नेचर, काफ़ी इवन पाकिस्तानी का भी नेचर काफ़ी अच्छा है। इवन दिस कैब ड्राइवर इज़ फ्रॉम कैमरून, अफ्रीकन कंट्री। वी हैव ग्रेट फ्रेंड्स फ्रॉम कैमरून। सो यह इट्स गुड। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे कि अभी हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी तो एक बंदा बोलते गाड़ी आगे पार्क करो, जबकि ये पार्किंग स्पॉट है। एंड ठीक है, चीज़ें वहाँ पे दिखने मिल सकती है। कई बार अपने काम से लोग परेशान होते हैं, लेकिन जब भी आप दुबई आएँ तो डू एक्सप्लोर, बहुत मज़े करेंगे, दिल खोल के पैसा खर्च करेंगे। आप यहाँ पे हर चीज़ बाय कर पाएंगे, यहाँ पे आपको इंडियन ही बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपको ज़्यादा कोई इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिज़नेस पर्पज़ से आ रहे हैं मेरी तरह, तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुद निकाल सकते हैं, अगर आपको समझ है, परख है बिज़नेस की तो। और दिस इज़ इट, लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर मोर। यहाँ पे आपको ताज जैसा ब्रांड भी मिल जाएगा, आप देखो ये ताज का ब्रांड है, ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है यार। So how long you are from आपको here? क्या चाहिए आप बताओ, आपको जो चाहिए वो दुबई में मिलेगा। कम टू दुबई, योर फैमिली हियर और योर, अगर आपको इस तरीके से क्रूज में ट्रैवल करना है तो यू कैन श्योरली टेक द टिकट। अब टिकट डिपेंड करती है कितने की मिलती है आपको। तो मैं आपको एक बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ यू कमिंग टू दुबई, बार्गेन कर लो, बार्गेन आराम से कर लोगे, रेट टूट जाएगा। जैसे इंडिया में बार्गेन करता वैसे ही आप बार्गेन कर लो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी सब आधे ज़्यादा इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी होते हैं, बार्गेन करोगे उनको भी बेचना होता है तो रेट कम में आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपको क्रूजर दिखेंगे, सारी क्रूजर कर सकते हो अच्छी तरीके से, बुर्ज खलीफा टू, और ज्यादा महंगा नहीं होगा यहाँ पर, 100-150 दिरहम में हो सकता है अगर सही से आप सही जगह से करो। अगर बेवकूफ ही बनना है तो बेवकूफ हर जगह मिल सकते हो आपको। कम टू दुबई टू ट्रैवल, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द होम नाउ। हम शॉपिंग कर रहे हैं, पागल हो गए, एंड अब बहुत हो चुका। घर जाके सब कुछ मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्या शॉप करा, कितना शॉप करा, कितने अमाउंट में कैसे क्या नहीं हुआ, तो आप लोग की हेल्प हो सके। सो दिस वाज फॉर टुडे। बोलो, बस 500 हमारे हाथ में बचे हैं ब्लास्ट के, बाकी सब खर्चा कर दिया। हाय एवरीवन। सो व्लॉग मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था। बेसिकली जब हम कल शॉपिंग करने गए थे तो 10,000 दिरहम बहुत ज़्यादा हो गए थे, बिकॉज कितने सामान खरीदते हैं हम, कितनी चीज़ें खरीद के ले आते हैं। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, एंड वी बॉट द गोल्ड ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट। उसके बाद में हमारा जो बाकी का सामान था वो 2,000 दिरहम के अंदर आ गया था। अगर आप दुबई आते हो तो आप गोल्ड में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड बाय कर सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी अच्छे दाम में मिल जाएगा। अगर आपको जानना है कि आप कितना गोल्ड दुबई से इंडिया ले जा सकते हो, कितना गोल्ड आपको खरीदना चाहिए, किस रेट पे गोल्ड लेना चाहिए और किस तरीके से निगोशिएट करना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड फॉलो मी नाउ। Thank you everyone for watching the video.